यूपी के जनपद हापुड़ के फिलुखवा कोतवाली क्षेत्र में 3 दिसंबर 2017 में देर रात आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके मोहल्ला सदीकपुरा में गोली मारकर चांद की हत्या की थी। वह एक युवक लाला उर्फ साजिद फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज फिलुखवा पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए घटना में वांछित चल रहे 6 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक तमंचा व खोखा भी बरामद किया है। पुलिस बाकी फरार 5 अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। सदीकपुरा पिलखुआ में 5-6 लोगों ने चांद नामक व्यक्ति के ऊपर अटैक किया था गन से, जिसमें चांद की मृत्यु हुई थी और उसके साथ साजिद नाम का व्यक्ति जो है, लालू साजिद नाम का व्यक्ति घायल हुआ था गंभीर रूप से। उसमें 5-6 लोगों के नाम आए थे। आज कल वो पकड़ा गया एक इसमें वसीम नाम का व्यक्ति, जिसने स्वीकार भी किया गोली चली है वहाँ और इन लोगों की हत्या हुई है। हत्या का कारण ये था कि घटना के एक दिन पहले 2 तारीख को जो सह अभियुक्त है इसके साथ, वसीम के साथ सलमान, उसके साथ और चांद के साथ कुछ झगड़ा लड़ाई हुई थी कहीं, उसी की बदला लेने के लिए 3 तारीख को इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बचे हुए अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी कब तक? बहुत शीघ्र ही होगी। हम लोग टीम लगी हुई है, हमारी 2-3 टीमें का वर्क कर रही हैं इस पे। जितने भी अपराधी वांछित हैं अभी भगे हुए हैं, जल्दी हम उनको पकड़ते हैं। ये जो आरोपी पकड़ा गया, इससे क्या क्या चीज बरामद हुआ है? एक तमंचा बरामद हुआ है और खोखा इसके पास से बरामद हुआ है।